भैया वो हिलवियो विला। अचीवमेंट फॉर अस, क्या समीर साहब हमारी पहली फिल्म का म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत स्वाभाग्य की बात है। एक लीजेंड के हाथों तो हमारी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ। ये किशन भैया, किशन जायसवाल जी, ये प्रोड्यूसर हमारी फिल्म के, और इस फिल्म को निर्देशित करने वाले मिस्टर प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, फिल्म वाला, इनका नाम है फिल्म वाला, फिल्म वाला। बीते हुए यादों पे हम परदेस हैं, पढ़ने लगे नई चाह के, नई रूह के सजदे की। जब ऐसी फिल्में चलती हैं तो बहुत सारे नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं और इंडस्ट्री में एक नए काम की शुरुआत होती है। मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ इन लोगों को। गीत संगीत की जो बात आती है तो समीर साहब को जरूर लोग याद करते हैं, आज आपके मौके पे भी आए हैं समीर साहब, तो क्या कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा समीर साहब से? नहीं, समीर साहब के जैसा कुछ सुनने को मिलेगा समीर साहब जैसा कोई लिख नहीं सकता। नहीं बेटा, जरूर लिखे होंगे, और ऐसी पूरी समीर साहब जैसा तो नहीं पॉसिबल नहीं सकता, मतलब ही नहीं। मुझे बहुत सारी संभावनाएं हैं, नए लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको काम करने की जो पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बंदिश में, किसी न किसी प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जो बेहतर काम खुल के करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे। और ज़्यादा ध्यान आजकल म्यूजिक पे दिया जा रहा है, शायरी पे नहीं, पोइट्री पे नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि पुरानी मेलोडी जो है, पुराने वर्ड जो है वो आए, मगर उसको एक नया रंग रूप दिया जाए। तेरी यादों से ना टेंशन, तूने कैसा जादू किया, तूने कैसा जादू किया, ओ जानिया तेरे इश्क की कुमारिया, ओ जानिया नींदा चुराइया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाम आपका? शानवी खान। इस फिल्म में क्या किरदार आपका? इसमें मेरा एज ए लीड मैंने काम करा है, और साथ में एक और हमारी हैं आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है किरण आचार्य, वो भी बराबर पैदल लीड में है। और ऐसा कोई बहुत बोल्ड नहीं है, जो उन दोनों के बीच में कुछ बोल्ड सीन्स हैं, ऑब्वियसली बहुत एस्थेटिक तरीके से शूट करे गए हैं, वल्गर टाइप का नहीं है।
तो कौन सा आपको ग्रेड मिला सेंसर से अगर बात करें? सेंसर का अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि वे रिक्वायरमेंट रहती है फिल्म में ऐसा सीन डालना, क्या कहेंगे? नहीं, इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर हम ये सीन नहीं डालते या ये नहीं लिखते तो मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ती। धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती रहती है आगे। शुरू में तो एक ट्राइंगल है, लव ट्राइंगल, लेकिन लास्ट होते हुए उसमें काफ़ी मिस्ट्री है, मर्डर है, तो आपको देखना। How was the experience working with your producer or co-star? Really good, fantastic. We all are like we are all family. आपकी सेकेंड फिल्म है तो कुछ थोड़ा एलैबोरेट करना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रहा सर से, क्या सीखने को मिला आपको? सर से सर ने बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत सिखाया। हम सब ने मिलकर बहुत हार्ड वर्क करा है, काफ़ी 12 घंटे तक करा है। जैसे कि ट्रांसजेंडर के ऊपर है फिल्म, तो कितना मतलब यू सेड लेस्बियन है और लेस्बियन भी एक एस्पेक्ट है। It's not based on the lesbian. Okay. जिससे आप क्या कहना चाहेंगे मूवी को लेकर? मूवी को लेकर क्या है? मूवी काफी अच्छी है, लोकेशंस काफी खूबसूरत है, आप जिस तरीके से मेकिंग की गई है काफी अच्छा सिलेक्शन कर रहा है डिफरेंट। मेकिंग वाइज काफी अच्छी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी फिल्म, नया मेकिंग मिलेगा। काफी शुक्रिया है। डांस की टीचर उसकी है, प्यार वाला मूड बना दो।